So hello guys, good morning. I know it's good night, but मेरे लिए good morning. So guys, यहाँ पे light on कर लिए मैंने और फटाफट से मैं चला आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लाने. लैपटॉप पे ध्यान मत देना, मेरी गलती की वजह से लैपटॉप. सो गाइस, आज यहाँ पे मैं ये ड्राइंग्स बनाने वाला हूँ. लाइक इसमें जो सबसे पहली ड्राइंग है ना, वो मैं बना हुआ सिंपली, क्योंकि बाकी के दो बाद में मैं सिंपल पेपर आर्ट बनाने वाला हूँ, 3D पेपर आर्ट, जो आई होप कुछ नया है. बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बट मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और आई सजेस्ट कि आप सब भी ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा. बट इट्स कंज्यूम योर टाइम, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत टाइम लगा. लाइक मैंने समझा यार कि 2-3 घंटे में बन जाएगा, बट इट्स सच में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए. ये मुझे तब पता चला जब मैंने पेपर पर कार्व करना स्टार्ट किया. कार्विंग करते ना, वैसे कार्विंग मैंने सिंपली ब्लेड से किया, क्योंकि और किसी चीज़ से कर नहीं सकते. और इसका रिजल्ट बाद में देख ही लेना, मज़ा आएगा. बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय 1K फैमिली. आई होप आप सब आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे. एंड सो सॉरी कि कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई शॉर्ट्स नहीं आ रहे, जस्ट बिकॉज फैब में मेरी बोर्ड्स है. और तुम सबको तो पता ही है यार, बोर्ड्स के लिए कितना पढ़ना पड़ता है. वैसे तो लगभग सब हो चुका, बट या बोर्ड्स है, फर्स्ट टाइम है, तो कभी ट्राई किया नहीं है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए मुझे फुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा. बाकी यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलना पड़ता है, मैं छाप रहा हूँ कुछ एग्जैक्टली वैसा फ्रेम करने के लिए, वैसा फ्रेम आउट होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे उसको लाइटिंग के ऊपर रख के उसको ट्रेस किया, ताकि वो एकदम अच्छे से उसका फ्रेम निकल रहा, मतलब फ्रेम इक्वली हो, समझ में आया. तो फ्रेम इक्वल होना चाहिए, तब तो जाके आपका जो आर्ट है वो 3D जैसा दिखेगा. बाकी गाइस, इट्स सो अमेजिंग, मतलब ये आर्ट करने में ना मुझे बहुत मज़ा भी आया और बहुत टाइम भी कंज्यूम हुआ मेरा. लगभग मैं टाइम तो ऐसे कैलकुलेट मैंने किया नहीं, बट सच में इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हुआ. जैसा कि देख सकते हो, पहला मैंने वो स्वर्ड बनाया, उसके बाद मैंने उस फ्रेम को बाहर निकाल के दूसरा फ्रेम लिया, जिसको उसका फ्रेम आउट ट्रेस किया, और उसके बाद उसमें एक और सैमुराई की ड्राइंग बनाने लगा. वैसे तो मुझे ड्राइंग करने में उस टाइम बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद यहाँ पे मैंने ड्राइंग की है. लिटरली मैंने कुछ भी नहीं बनाया इतने दिनों में, कुछ भी नहीं. सो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड मुझे सच में वो रात नींद भी नहीं आ रही थी, कि ऐसा होता है कि ना थक गए, थकान भी नहीं हो रही थी, सच में इतना मज़ा आ रहा था. सो यहाँ पे मैंने थर्ड पेपर भी ले लिया, तीसरा पेपर लिया, और यहाँ पे मैंने उसको फ्रेम आउट कर लिया, एंड मेरी बॉडी थोड़ी सी अकड़ गई. सो और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ टाइगर यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसके साथ मैं यहाँ पे फुल नाइट आउट किया मैंने. और जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, मेहनत बहुत की, मतलब हर अलग अलग एंगल से मैंने यहाँ पे शूट करने की ट्राई की. ऐसा वीडियो भी मैं पहली बार बना रहा हूँ. लाइक अब ना मैं ठीक है वीडियो में थोड़ा वीडियो को थोड़ा अपडेट करता जाऊँगा, ताकि आप सबको वीडियो में और मज़ा आए, और आप सबके बहुत क्वेश्चंस भी थे कि कब से आप अपना वीडियो डालना स्टार्ट करोगे, कब से आपका कमबैक होगा. सबसे पहले तो ये बाहर की वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा है आजकल, और पता नहीं यार यहाँ पे रात हो या सुबह हो, जब भी हो गाड़ियाँ चलती रहती हैं. तो बैक टू द टॉपिक, एग्जैक्टली मैं 11 मार्च को मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगी, बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ. बट मुझे 3-4 डेज चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, और साथ ही साथ जो आइडियाज़ है मेरे पास, मैंने एग्जैक्टली इंस्टाग्राम में बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्ट करके रखे, और भी बहुत जगह
लाइक पिंट्रेस्ट, गूगल, सब जगह से मैंने सबको सेव करके रखा है, ताकि ना बाद में जैसे बोर्ड्स खत्म हो उसके बाद सारे आइडियाज अप्लाई कर देने का। सो गाइस, जैसे देख रहे हो अब बारी है यहाँ पे ट्रेसिंग की, एंड मैंने यहाँ पे सिंपली एक बॉल पेन लिया है, ब्लैक बॉल पेन। कोई भी पास वो जो आर्ट लाइन की जो पेन थी ना, ड्राइंग पेन, वो भी ख़त्म हो गई। अब वो भी मैं मंगवा नहीं सकता, क्योंकि जस्ट बिकॉज बोर्ड्स है तो पेरेंट्स ने भी बोला कि अभी ड्राइंग करनी तो है नहीं, तो किस लिए मंगवाना है। और मैंने सोचा ये एक ही बार अभी करनी है तो कर लेते हैं। एंड गाइस डोंट वरी, ड्राइंग तो ये एक ही वीडियो आएगी, अब सीधा ड्राइंग की वीडियोस बोर्ड्स के बाद आएगी, बट उसके पहले आपको व्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, सब ड्राइंग वीडियो से ज़्यादा मेरे व्लॉग पे व्यूज आते हैं। आई डोंट नो कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आता है या फिर ड्राइंग की वीडियोस करते हो, इतना ज़रूर जानते हो कि आपको दोनों पसंद आता है। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं दोनों अप्लाई कर सकूँ और आप सब तक दोनों वीडियो पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पे मेरी कलरिंग का टाइम आ चुका है, यहाँ पे मैं हैंड पे थोड़ा पिंक कलर दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एनिमे में वैसा कलर होता है ना इसीलिए। और यहाँ पे मेरा डे वन ख़त्म हो गया, मैं डे टू पे आया। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे 2 दिन लगे इसको करने में, मतलब पूरे 2 दिन यहाँ, क्योंकि एग्जैक्टली पूरे दिन तो पढ़ना होता था, तो मुझे रात का टाइम मिलता था। तो रात के टाइम में 2 hours or 3 hours, तो ऑफकोर्स इसमें टाइम कंज्यूम था। जैसे आप देख सकते हो कटर से एकदम से क्लियर, एकदम मतलब केयरफुल कट करना है और हार्ड है, एंड इट्स रियली कंज्यूम योर टाइम बहुत ज़्यादा। सो मेरा भी टाइम कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पे जैसे ये 3 layers, मैंने यहाँ पे 3 layers कट किए, 3 layers की ड्राइंग की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कार्विंग करके एक छोटे छोटे वाइट पेपर को काट दिया, और ये सबसे बड़ा ये जो लास्ट फ्रेम आउट होगा उसके लिए। तो यहाँ जैसे देख सकते हो डबल डबल लेयर की मैंने यहाँ पे डबल को डबल साइडेड टेप आती है उसको लगा दिया यहाँ पे फ्रेम बनाने के लिए, जैसे 3 साइड का हो गया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना, आप सबकी वजह से हमने 1K क्रॉस कर लिया है। कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे वीडियो में इसका रिव्यू अच्छे से दिखाया मैंने, मतलब शैडो इसका शैडो करेगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा लाइट की वजह से, ठीक है। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करना, कुछ नया था मेरे लिए, नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई किया। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो पता नहीं कब आने वाली है, बट आई। Oh,